चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस सीट पे आपको क्या लगता है कि किसका बन पाएगा? प्रदीप चौधरी भी है जो हाल ही सांसद है। जहाँ तक वैसे देखा जाओ तो एक राशन फाइट में बहुत ज़्यादा जबरदस्त तरीके है। जो सांसद है यहाँ से वो लापता ही है, आपको देखा ही होगा घूम के। विकास तो यहाँ पे ना के बराबर ही है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग क्या देखते हैं? अपने समाज का देखते हैं कि मेरे समाज का चेहरा है, मैं इसको दूंगा। वो जहाँ तक के गलत है मेरे अकॉर्डिंग। हमें आदमी देखना चाहिए अच्छा है या नहीं है, पार्टी से हमें क्या मतलब है। इस तरह की नौकरियाँ मिली नहीं मिली कुछ ऐसी, वो तो पूरे हिंदुस्तान में ही पता है, आपको मेरे से बेहतर पता होगा। काम अच्छे लगे उनके? गिन गए भाजपा के? आयो थोड़ी महंगाई हो रही। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का एक कस्बा झिंझाना है। झिंझाना कैराना लोकसभा सीट में पड़ता है। हम यहाँ के लोगों, आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार 2024 के चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है, क्या लोगों का मानना है। क्या नाम? एहतशाम खान जी। एहतशाम, लोकसभा चुनाव 2024 पूरे देश में चर्चाएं हैं तो ये कैराना लोकसभा सीट पड़ती है, तो इस सीट पर क्या माहौल आपको नज़र आता है अगले चुनाव के लिए? अभी तो देखो गठबंधन का ज़्यादा है यहाँ पे, और बाकी का अगर ये है कि गठबंधन से कोई प्रत्याशी पे डिपेंड करता है कौन होता है। अगर इकरा हसन या नवाज शालम में जो भी है वो गठबंधन से, तो डिपेंड करता है कि बीजेपी से कौन है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीजेपी डालती है, तो उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है उसमें बीजेपी ले जाए, तो दोनों फाइट है, अच्छा रहेगा चुनाव यहाँ का, काफ़ी बेहतर। तो सांसद जी का काम कैसा रहा है आपके क्षेत्र में, अगर थोड़ी सी नज़र डाली जाए आसपास के उसमें? ठीक है, तो अच्छा काम किया है, जो भी है बेहतर किया है। और जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि भाई शामली ज़िले या उत्तर प्रदेश के रोज़गार की बात करें, भाई क्या यहाँ क्या स्थिति है रोज़गारी की? रोज़गार इस तरह की नौकरियाँ मिली नहीं मिली कुछ ऐसी? वो तो पूरे हिंदुस्तान में ही पता है, आपको मेरे से बेहतर पता होगा क्या चल रहा है रोज़गार का। और ये जो भी है सही चल रहा है। भाई क्या नाम दोस्त? फरमान सिद्दीकी। फरमान भाई क्या लगता है कुछ बन रही है बाद 10 सालों में कुछ काम जनता के हुए? बीजेपी आएगी दोबारा से, फिर दोबारा से। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? ये सब कुछ सारा, ये सब कुछ अच्छा है जी इसकी सरकार में। माशाल्लाह बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है माशाल्लाह, आनी चाहिए यही दोबारा से। क्या नाम आपके? मोहम्मद नौमान सिद्दीकी। तो अच्छी कह रहे हैं, कुछ काम बताइए कुछ। बहुत अच्छा माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरह की चल रही है, ना कोई डरेगा ना कोई दहशत है किसी बात की, माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं विपक्ष। अजी वो तो सभी है यार। कहाँ के भाई? भाई यहीं का हूँ। कौन से गाँव के? कैराना के पास। अच्छा, कैराना जालपुरा। तो कैराना लोकसभा सीट पे क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल बनेगा चुनाव में? माहौल तो भाई देखें क्या बनेगा दोस्त, तो चलता ही रहा है, मुद्दे तो है नहीं यार कुछ भी। बहुत सारे मुद्दे अगर बात करें कि भाई किसान का मुद्दा है, मजदूर का, रोजगारी का, शिक्षा का। भाई इस इलाके में ना तो शिक्षा ही है ना खुशहाल है भाई, विकास कुछ नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ पे कब्जा रहा इस कैराना लोकसभा पे, परिवारवाद का ही रहा भाई हमेशा। पहले एक हुकम सिंह थे उनका रहा, अब फिर एक हसन परिवार है उनका भी यहाँ कब्जा ही रहा। फिलहाल तो जो सांसद है यहाँ से वो लापता ही है, आपको देखा ही होगा घूम के। विकास तो यहाँ पे ना के बराबर ही है, कुछ नहीं है। क्या उम्मीद करें इन लोगों से, अगर कोई नया चेहरा सामने आता है तो देखते हैं अब की बार कुछ चेंजिंग हो जाए। तो वैसे तो कुछ नहीं है यहाँ पे। कैराना सीट पर कई दावेदार नज़र आते हैं, इकरासन है, सुधीर पवार है, मनीष चौहान का भी नाम लोग ले रहे हैं, तो इस सीट पे आपको क्या लगता है कि किसका बन पाएगा? प्रदीप चौधरी भी है जो हाल ही सांसद है। जहाँ तक वैसे देखा जाओ तो इकरासन फाइट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके है, लेकिन अगर मैं अपना वोट दूंगा, पहली बात तो मैं मतदान करूँगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। यहाँ पे लोग क्या देखते हैं? अपने समाज का देखते हैं कि मेरे समाज का चेहरा है, मैं इसको दूंगा। वो जहाँ तक के गलत है मेरे अकॉर्डिंग। हमें आदमी देखना चाहिए अच्छा है या नहीं है, पार्टी से हमें क्या मतलब है। मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ शामली मिल है, किसानों का पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है पूरे एक साल का, गन्ना किसान की जो फसल है
किसान तो वहीं से घर चलाता ना अपना, उसके पास और तो कोई बिजनेस नहीं है। अब उनका करोड़ों रुपए ऐसे ही फंसा हुआ है वहाँ पे। भाई आप नौजवान भी है तो अगर बेरोजगारी की बात करें, भाई बेरोजगारी की सबसे बड़ा बेरोजगार मैं ही हूँ आज की डेट में मेरे भाई। तो कुछ नौकरियां जैसे पहले भाई हो जाती थी यूपी सरकार में, 2019 में यूपी पुलिस की दो वैकेंसी आई थी, एक 18 में आई थी एक 19 में आई थी, और हमारा किसी कारण से नहीं सिलेक्शन हुआ, तो हम लगे हुए थे कंटिन्यू। अब देखो 2023 भी ख़त्म होने वाला है, पिछले 2 साल से यही चल रहा है कि भर्ती आएगी, आज तक कोई भर्ती नहीं आई। आर्मी का जैसे पहले हो जाता था, अब अग्निवीर कर दिया। अभी हमें ही ठेका ले रखा गया, ये नेताओं के बच्चे करेंगे ना जॉब, वो करके दिखाओ ना सेवा। मेरे हिसाब से तो ये कंपलसरी कर देना चाहिए, जो इलेक्शन लड़ते हैं इनके बच्चे और ये खुद सेवा करें ना बोर्ड पे जाके, जब पता लगे ना बोर्डर पे। अब यार एक बात बताओ, एक किसान का बच्चा बेचारा 18-19 साल की एज में भर्ती हो जाएगा, 5 साल वो वहाँ पे जॉब करेगा, फिर कहाँ पे जाएगा? कह रहे हैं नौकरी दे देंगे, जो ये फिर रहे हैं इनको दे दो ना आप नौकरी, इनको तो नौकरी मिल नहीं रही, अग्निवीरों को देंगे। अग्निवीर कितना सफल है? अग्निवीर अकॉर्डिंग टू मी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है। उसमें क्या रहेगा, 5 साल हम जॉब करके आएंगे, मान लो मैं जो नौकरी कर रही, अब मेरी मेंटली जो है वो तो फोर्स की हो जाएगी ना, तो मैं वहाँ से आके यहाँ पे क्या करूँगा फिर, ये बताओ। 5 साल में जॉब करके आ जाऊँगा उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं ना इधर करूँगा ना उधर करूँगा ना। एक बात है, बच्चा प्लस टू में है, प्लस टू के बाद उसका तुरंत सिलेक्शन हो जाता है अग्निवीर में, जो उसकी स्टडी करने की उम्र थी वो तो आपने लगवा दी वहाँ पे देश की सेवा में, उसके बाद वो ना इधर करेगा, प्लस टू बेस पे कौन नौकरी देगा फिर उसको? लेकिन वहाँ तो 25% कह रहे हैं कि भाई 25% क्या रहेगा, पक्के वाले रखे जाएंगे, भ्रष्टाचार ही होगा 25% में, वही जाएंगे जिनका अच्छा खासा पैसा जाएगा वही जाएगा। पता नहीं कब से पढ़ाई महंगाई का क्या कहना है, महंगाई दुनिया भर की हो रही, दुनिया भर की। तो जैसे आप रिक्शा चला रहे, सुविधा हुई क्षेत्र में कुछ आपके? कुछ नहीं, कोई नहीं करता मदद, तो कुछ एक टांग कटी हुई और हिम देते हैं तो। तो रोड जो टूटा फूटा पड़ा है, रोड में दिक्कत नहीं होती होगी? आगे पता नहीं, रोजाना एक्सल पे एक्सल टूटते रहे, रोजाना गाड़ियाँ पलटती रहे, ट्रॉली पलटती रहे, गन्नों पर मोड़ है वहाँ, गन्नों के ट्रक रोजाना पलटे, समस्या रहती है आगे। और कुछ बताइए क्षेत्र के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में, भाई चुनाव उनाव में क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है? भाई ये वाजपेयी रजिस्टर हो रही है, तो वाजपेयी है, वाजपेयी रजिस्टर है जी, और क्या है? काम अच्छे लगे उनके? किन के? भाजपा के। आयो थोड़ी महंगाई हो रही। अच्छा, महंगाई हो रही है। तो कितनी दिक्कत होती है महंगाई हो गई जैसा आम आदमी को, ये घर चल जाता है? नहीं, मजदूरी में भी पेट नहीं भर रहा। तो मजदूरी में बढ़ोतरी हुई कुछ सालों में पिछले साल? कुछ नहीं हुआ, समस्या ही है। थोड़ा सा बताइए कि सीट पे कौन जीतेगा इस बार? भाई तो भाजपा की हो रही है, तो भाजपा की, जब कोई और नेता ही नहीं आया बराबर में, ही नहीं कोई पार्टी ऐसी जानदार, कुछ अपना वोट डले हैं ये गड़बड़ी कर दे अपना, डब्बों में पब्बों में सब प्रशासन ही नहीं गई है, आम आदमी को उतनी सुविधा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। चलिए ठीक है सर।